हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड में आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर सेवन को पढ़ेंगे जो है पादप अनुकूलन यानी प्लांट एडेप्टेशन। देखिए, प्लांट एडेप्टेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो वार्मिंग थे उन्होंने 1909 में इन पौधों को अनुकूलन के आधार पर तीन समूह में बांटा। वो तीन समूह कौन से थे? हाइड्रोफाइट, टेस्टेरियल एंड हेलोफाइट्स, यानी जलोद्भिद, स्थली और दलदली। अब इन्होंने अनुकूलन के आधार पर इसको बांटा और उसके बाद उन्होंने जब इसका अध्ययन किया तो उस अध्ययन के आधार पर इन्होंने इसे पांच भागों में फिर विभाजित किया। वो है हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स और एपीफाइट्स। देखिए, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोफाइट से, यानी जलोद्भिद। देखिए, ये पौधे यानी जलोद्भिद कैसे होते हैं कि ये जो पौधे होते हैं अधिक जल उपस्थित होने वाले वातावरण में उगते हैं और जल के संबंध में इन्हें विभाजित किया गया है पांच भागों में। यानी कि सबसे पहला भाग कौन सा होता है? स्वतंत्र तैरने वाले पौधे, यानी जो फ्री फ्लोटिंग करते हैं, जैसे कि वॉल्फिया होता है, लैमना होता है, स्पाइरोडिला होता है, सार्वेनिया होता है। ये सारे उदाहरण होते हैं किसके? स्वतंत्र पूर्वक तैरने वाले पौधे के। यानी स्वतंत्र पूर्वक तैरने वाले पौधे कैसे हुए? वह पौधे जो जल तथा वायु के संपर्क में रहते हैं और जल की सतह पर स्वतंत्रता पूर्वक तैरते रहते हैं और इनका संपर्क मृदा से नहीं होता। तो ये हमारे जो पौधे थे ये कैसे थे? हाइड्रोफाइट्स पौधे थे। और जिसमें हाइड्रोफाइट्स पौधे में हमने क्या किया, क्या पढ़ा? जो भी स्वतंत्र रूप से पौधे तैरते हैं, तो ये थी हमारी क्या? हाइड्रोफाइट्स। अब इसी जो है हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसको? स्थिर तैरने वाले पौधे को। ये स्थिर तैरने वाले पौधे के सबसे पहले एग्जांपल जान लीजिए, निम्फिया, निलंबिया, ये सब क्या हैं? स्थिर तैरने वाले पौधे। यानी इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जल के नीचे दलदली भाग में लगी रहती हैं, परंतु इनकी जो लीव्स होती हैं, जो इनकी पत्तियां होती हैं, वो जल की सतह पर तैरती रहती हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जल निमग्न, यानी जल में निमग्न पौधे कौन कौन से होते हैं? यूट्रिकुलेरिया, सिराटोफिल्म और नाजास। ध्यान रखिएगा, इन सबके जो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे नाजास है, यूट्रिकुलेरिया है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जल निमग्न पौधों के नाम बताइए। तो अब देखिए, जल निमग्न पौधे क्या होते हैं कि यह जल में पूर्णतः निलंबित रहते हैं किंतु दलदल में इनकी जड़ें नहीं लगी होती। अब ये तीसरा था। अब चौथा है हमारा स्थिर जल निमग्न पौधे, यानी ये पौधे जल में पूरी तरह डूबे रहते हैं तथा इनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट होती हैं, वो दलदल में धसी होती हैं, जैसे पोटामोजिटॉन। ये इसका एग्जांपल है किसका? स्थिर जल निमग्न पौधे। अब हम जानते हैं जल स्थली पौधे कौन कौन से, जैसे टाइफा है, सैजिटेरिया है। यानी यह पौधे कैसे होते हैं? अधिकतर छिछले तालाबों में पाए जाते हैं और इन पौधों की जो जड़ें होती हैं, जो तने होते हैं, उनका कुछ भाग जल और कुछ भाग कैसा होता है? वायवी होता है। तो ये हमने देखा कौन कौन से? हाइड्रोफाइट्स में, कि हाइड्रोफाइट्स के जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं। आप देखिए, हाइड्रोफाइट्स के पौधे के अलावा अब हम जानेंगे जो इसके एडेप्टेशन होते हैं, यानी इकोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। अब देखिए, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन में क्या होता है, यानी जलोद्भिद में परास्थित अनुकूलन कैसे होता है? अब ये जो पौधे होते हैं तो इन पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजिकल में हमारी रूट आ जाती हैं, स्टेम आ जाती हैं, लीव्स आ जाती हैं, बट
एनाटॉमिकल्स में भी हमारा क्या है, रूट है, स्टेम है। आप देखिए जो मॉर्फोलॉजिकल है तो रूट कहेंगे, इसमें रूट नहीं पाई जाती। तने की बात करेंगे तो इन पौधों में तना कैसा होता है, यानी इन पौधों में तना कम विकसित होता है। पत्तियां कैसी होती हैं, जल निमग्न पौधों की पत्तियां पतली होती हैं। नेक्स्ट अगर हम मॉर्फोलॉजिकल की बात करें तो इनकी जड़ें कैसी होती हैं, यानी इनकी जो जड़ें वाय स्तर पर क्यूटिकल नहीं पाया जाता। एपिडर्मिस कैसी होती है, एक स्त्री होती है। कॉर्टेक्स सुविकसित होती है, पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है। वैस्कुलर मंडल कम विकसित होते हैं। तो ये सारे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन होते हैं। इसी में अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में क्या होता है, क्यूटिकल अनुपस्थित होता है, या हम ये भी कह सकते हैं अल्प विकसित होता है। एपिडर्मिस कैसा होता है, पतली भित्ति वाला होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है। और जो हमारा कॉर्टेक्स है वो वेल डेवलप होता है, सुविकसित होता है। एंडोडर्मिस कैसा होता है, अधि स्पष्ट रूप से पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल जड़ों के समान कम विकसित होता है। तो ये सब हमारे क्या है, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है। किसके, हाइड्रोफाइट्स के। अब देखिए हाइड्रोफाइट्स का हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मीसोफाइट। तो मीसोफाइट में हमने आपको क्या बताएंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, अत्यधिक होती है, और ये नम तथा पर्वतीय भूमि में उगते हैं। आप देखिए नम तथा पर्वतीय भूमि में उगते हैं, तो इनके जो है हम बात करें एडेप्टेशन की, तो देखिए इनका जड़ तंत्र जो होता है, यानी जड़ तंत्र इनका कैसा होता है, सुविकसित होता है, यानी वेल डेवलप होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो जड़ तंत्र यानी रूट स्टेम होता है वो कैसा होता है, सुविकसित होता है। जड़ें ब्रांच होती हैं, पत्तियां कैसी बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं, और तने कैसे होते हैं, वायवी होते हैं। अब नेक्स्ट क्यूटिकल की बात करें तो वायवी भागों में पाई जाती है। एपिडर्मिस भी सुविकसित होती है, पत्ती की दोनों सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे ज़ेरोफाइट्स की, यानी मरुद्भिद, यानी यह पौधे मृदा में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उगते हैं, जिसमें सबसे पहले इसके अडेप्टेशन को अगर हम देखें तो इसकी जो जड़ें होती हैं कैसी होती हैं, अति विकसित होती हैं। तना क्या होता है, तने छोटे होते हैं, कास्ठी होते हैं, शुष्क होते हैं। इसकी सतह पर रोम परतें पाई जाती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियां आकार में छोटी होती हैं, और पत्तियों की सतह कैसी होती है, चमकीली होती हैं। अब ये तो था क्या, मॉर्फोलॉजिकल। अब हम अगर इसके एनाटॉमिकल की बात करें तो रूट कैसी होती है, रूट इसकी जो है हम ये कह सकते हैं अधिक विकसित होती है। तना कैसा होता है, क्यूटिकल परत इसमें मोटी होती है। शुष्क तनों में जो होते हैं वो निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे एपिडर्मिस है अधिक सुदृढ़ होगी, एंडोडर्मिस है कई कोशा द्वारा होगी और स्क्लेरेन्काइमा की बनी होगी। स्टोमेटा यदि पाए जाएंगे तो एपिडर्मिस की सतह के नीचे व्यवस्थित होगी। तो ये सब क्या था, ज़ेरोफाइट्स एडेप्टेशन। अब हेलोफाइट्स में हम देखेंगे कि हेलोफाइट्स में क्या होता है। अब देखिए हेलोफाइट्स में हम आपको बताएंगे कि हेलोफाइट्स क्या होते हैं, कि यह पौधे अधिक लवण युक्त वाले क्षेत्रों में उगते हैं, और जो हम ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक रूप से, मतलब जो इसके फंक्शनल यानी जो क्रियाएं हैं, यानी क्रियात्मक रूप से हम ये कहेंगे सूखी होती हैं, और इनमें से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो समुद्री दलदल किनारों पर पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनग्रोव कहते हैं। अब इनके अगर हम तनों की बात करें तो क्यूटिकल की परत मोटी होती है। एपिडर्मिस कैसी होती हैं, कोशाएं विकसित भित्ति होती हैं। एंड हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, पैरासाइकल स्क्लेरेन्काइमा की परतों की होती हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं किसके, हेलोफाइट्स के। अब देखिए हमने हाइड्रोफाइट्स देख लिया, मीसोफाइट देख लिया, ज़ेरोफाइट्स देख लिया, हेलोफाइट्स देख लिया। अब हम आते हैं एपिफाइट्स में। अब एपिफाइट्स में क्या होता है, देखिए अधिपादप, एपिफाइट्स को हम कहते हैं अधिपादप, और ये आपका एग्जाम में काफी पूछा जाता है एपिफाइट्स। अब देखिए एपिफाइट्स वह पौधे होते हैं जो कि अन्य पौधों को आधार बनाकर रहते हैं,
परंतु उस आधार से किसी प्रकार का जल या भोजन वो नहीं लेते। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका एपिफाइटिक। और आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं, आवर्तबीजियों में ये पौधे सभी पौधे आदि कुलों में पाए जाते हैं और इस प्रकार के पौधों का उदाहरण आर्किड होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अधिपादप पौधे का उदाहरण क्या है तो आर्किड। अब इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो यह पौधा स्वयंपोषी होता है, आकार में छोटा होता है, पत्तियां मोटी होती हैं। इन पौधों में आकार को पकड़ने के लिए चिपकने वाली जड़ें सुविकसित होती हैं। नेक्स्ट, इनके बीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं और इनके बीज छोटे होते हैं, बिना भ्रूणपोष के होते हैं। और इन बीजों के प्रारंभिक विकास में माइकोराइजा का विशेष योगदान होता है। नेक्स्ट, हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो वायवीय जड़ें होती हैं वो वायवीय जड़ों में वायु से नमी सोखते की तरह अवशोषित करने वाली विशेष परत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेलामिन कहते हैं। तो ये हमारा क्या था, एपिफाइट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना चैप्टर 7 पढ़ा जो था प्लांट एडेप्टेशन यानी पादप अनुकूलन। देखिए इससे क्वेश्चन आपके मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का ये चैप्टर आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 8 हम अपना कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।